नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनू चौहान। स्वागत है आपका पीएमआर भारत टीवी में। आइए रुक करते हैं खास खबर की ओर। करौली नांदोती उपखंड का गांव बड़ापुरा आजादी के 75 वर्ष बाद भी मूलभूत सुविधाओं के अभाव में अपना अस्तित्व खोता नजर आ रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि बरसों पहले से राजस्व गांव का दर्जा मिला, लेकिन सुविधाएं नहीं मिले। सरकार की ओर से सुविधाओं के नाम पर मात्र एक उच्च प्राथमिक विद्यालय है, जो मात्र 3 कमरों में चल रहा है। साथ ही ग्रामीणों ने शिकायत करते हुए कहा कि सरकार ने ग्रामीणों को पानी पीने की उम्मीद कई बार दिखाई, लेकिन पानी नहीं मिलने के कारण गांव के लोग फ्लोराइड युक्त पानी पीने को मजबूर हैं। हर बार विधानसभा या संसद के चुनाव में प्रतिनिधि आते हैं और वादा कर कर चले जाते हैं। सरकार इस गांव की मूलभूत जरूरतें भी पूरी नहीं कर पाती, तो राज्य व देश का विकास कैसे संभव हो पाएगा। फिलहाल खबरों में इतना ही। ताजा अपडेट के लिए देखते रहिए आपका अपना वीएमआर भारत टीवी।